मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, तथा मैं जिस पद को ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद देखिए राम नाराज़ हैं उनसे जिस तरह से राम के नाम को इस्तेमाल किया गया और राम के नाम के ऊपर सब किया गया तो राम नाराज़ हैं अब उनको इस बात का चिंतन और मंथन करना चाहिए देश कभी भी नफरत से चल ही नहीं सकता आप नफरत से नहीं चला सकते नफरत से नहीं चला सकते नफरत सिर्फ नुकसान करती है नफरत कभी फ़ायदा नहीं करती देश मोहब्बत से चलेगा और जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली थी उन लोगों ने भी दिखा दिया है संसद में विपक्ष का नेता राहुल गांधी बनेंगे तो ख्वाहिश है कि बनना चाहिए सहारनपुर सीट से इस बार चुनाव जीत कर संसद पहुँचे इमरान मसूद हमारे साथ हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बहुत बधाई एक लंबे अंतराल के बाद भारत की संसद में पहुँचे हैं कैसा लग रहा है आपको देखिए अच्छा तो लगता है अब हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं लगातार मेहनत करते हैं ये फल तो अल्लाह के हाथ में है अब इसमें जो भी बेहतर है अपनी तरफ से तो बेहतर हमने किया है आगे भी करेंगे संसद का माहौल कुछ थोड़ा इस बार बदला बदला आपको देखा क्या नहीं बहुत अच्छा माहौल है ऐसा नहीं है कुछ बदला बदला नहीं है बहुत अच्छा है देखिए उन, उनका विपक्ष का काम अपना है सत्ता पक्ष का काम अपना है दोनों अपना काम कर रहे हैं एक एक कुछ समय पहले भाजपा नारा लगा रही थी कांग्रेस मुक्त भारत का और इस बार कांग्रेस ने अच्छी खासी संख्या में सीट जीती है इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं देखिए कभी कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता ये बहुत गलत सोच होती है कभी भी यार और ये बड़ी नकारात्मक सोच है कि आप किसी को मुक्त कर देंगे कैसे मुक्त कर देंगे कोई नहीं राजनीति ऐसी चीज़ है कि इसमें जैसे चलता है ऊपर होता है फिर उस नीचे होता है तो ग्राफ कितना चलता रहता है इसमें कौन बड़ी बात है भाजपा दो सीट के ऊपर सिमट गई थी उसके बाद फिर ऊपर चढ़ गई फिर कभी नीचे आ जाएगी फिर ऊपर चढ़ जाएगी ये तो चल चक्र है घूमता रहता है देखिए राम मंदिर को बनाकर भाजपा बड़ी आश्वस्त थी कि वो चुनाव जीत जाएगी वो कहते थे दावा करते थे कि हम राम को लाए हैं और जनता हमें लाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अपनी फैजाबाद की सीट भाजपा हार गई देखिए राम नाराज़ हैं उनसे जिस तरह से राम के नाम को इस्तेमाल किया गया और राम के नाम के ऊपर सब किया गया तो राम नाराज हैं उनको इस बात का चिंतन और मंथन करना चाहिए हमने देखा राम मंदिर उन्होंने बनाया अभी पने छः महीने भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन मंदिर की जो छत है वो टपकने लगी तो आपको लगता है क्या कि राम मंदिर बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है देखिए ये बड़ा ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर मेरा बोलना वैसे भी उचित नहीं है लेकिन इन्हें मंथन खुद करना चाहिए चिंतन खुद करना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है सहारनपुर के लिए आप कौन से पाँच विकास कार्य जो आप करना चाहेंगे देखिए सबसे पहले मेरे लिए सहारनपुर के अंदर हेल्थ की सर्विसेज इतने ख़राब है मैं मेडिकल कॉलेज गया था मेडिकल कॉलेज का हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी पत्थर है ना डॉक्टर हैं ना स्टाफ है तो ना कोई सुपर स्पेशलिटी विभाग है वहाँ तो मेरा सबसे पहला काम तो हेल्थ सर्विसेज का है दूसरा मैं सहारनपुर में जाम की बहुत बड़ी स्थिति है और ऐसी बुरी स्थिति से उभारने के लिए मैं शहर के बीच से एक फ्लाई ओवर बना करके एलिवेटेड रोड निकालना चाहता हूँ कि वो निकल जाए और मैं प्रयास करूँगा कि उसे निकलवा दूँ तीसरा इस सहारनपुर के अंदर जो उद्योग हैं उनका वो बिल्कुल बदहाली में चले गए अभी उसका क्लस्टर बना है वुड कार्विंग का तो मैं सरकार से कोशिश करूँगा स्पेशल पैकेज दे करके वुड कार्विंग को और एक वहाँ हौजरी जो मेन काम है हौजरी का और वुड कार्विंग ये दो बहुत बड़े काम हैं हौजरी के उद्योग की तरफ किसी की नहीं वो असंगठित एसंग्ट, क्षेत्र के अंदर लगा हुआ है तो मेरा ये प्रयास होगा उसको भी संगठित क्षेत्र के अंदर ला कर के रोजगार के नए रास्ते खुलें और लोगों का कारोबार बढ़े तो मेरी प्राथमिकताएं भी फिलहाल ये हैं इनके ऊपर मैं फोकस किया हूँ कि इनको मैं पूरी तरह से करा जाऊँ शाह देवी विश्वविद्यालय मेरे यहाँ माँ शाह के नाम के ऊपर बना हुआ है उस विश्वविद्यालय के अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज के अंदर है तो वहाँ उसको तरीके से बनाया जा सके उसके अंदर कहाँ से फ़ंड्स लाने हैं फ़ंड्स ला करके उस विश्वविद्यालय को मतलब ऐसा किया जा सके कि

हमारे लिए एक किताब नहीं है हमारे लिए एक ग्रंथ है और संविधान ही की वजह से हमें ये अधिकार मिले हैं और संविधान पे खतरा तो बना हुआ था क्योंकि इन बार बार बोला था तब तो, तो हम ये वाले का कर्म है कि अभी बहुत मजबूत विपक्ष बैठ गया वरना इनके तो नेता बोल ही रहे थे लगातार संविधान को तो हम तो बार बार याद दिला रहे हैं संविधान की प्रति भी लेकर के हमने शपथ ली हमने याद दिलाने की कोशिश की कि याद रखिए इसी के कारण मैं हूँ और इसी के कारण आप हूँ मसूस साहब कई बार हम लोग किसी को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ये आदमी बड़ा अच्छा है बड़ा बढ़िया आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है तो किसी भाजपा के नेता को देख के आपके मन में ख्याल आता है क्योंकि यार नेता तो अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है इसकी भाजपा में पसंदीदा आदमी है ये कोई अरे क्यों नहीं है कैसी आप बात कर रहे हैं सब पार्टी सब पार्टियों के अंदर एक देखिए व्यक्तिगत रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे होने चाहिए हमारा मेरा मानना यह है कि सत्ता और विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमारी तलवारें खींची रहें हमारे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तो हम उन मतभेद को उन उसी तक रखें और जो सकारात्मक बात हम बोलें उसको सकारात्मक तरीके से बोलें हमें भी नकारात्मक बातों से बचना चाहिए उनको भी हमारी हमारे ऊपर नकारात्मक टिप्पणियों से बचना चाहिए मैं तो जो विपक्ष जो हमारी परंपराएं थी वो परंपराएं ध्वस्त हो गई दिक्कत ये है कि वो परंपराएं ध्वस्त हो गई हमारी तो परंपरा थी कि विपक्ष के लोगों का सम्मान उतना ही होता था अभी विपक्ष के लोगों का सम्मान ही नहीं ऐसा रहता है जैसा विपक्ष नहीं है तो कोई दुश्मन थोड़ी ना है हम सब लोग देश के लिए तो काम कर रहे हैं आप लोगों ने आपकी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान करती है और इस बार जो है बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली आप भी अच्छी खासी संख्या में तो क्या इस बार ये मैसेज गया है क्या कि हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा विकास चलेगा देखिए देश कभी भी नफरत से चल ही नहीं सकता आप नफरत से नहीं चला सकते नफरत से नहीं चला सकते नफरत सिर्फ नुकसान करती है नफरत कभी फ़ायदा नहीं करती देश मोहब्बत से चलेगा और जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने खोली थी वो लोगों ने भी दिखा दिया है संसद में विपक्ष का नेता राहुल गांधी बनेंगे मेरी तो ख्वाहिहिश है कि बनना चाहिए उनको राहुल गांधी साहब की बातचीत हुई कुछ नहीं मेरी राहुल जी से बातचीत इस बार मन में नहीं हुई क्योंकि फैसला उनको करना है मेरी ख्वाहिश है मैंने बता दिया कि आपको बनना चाहिए तो ये थे सहारनपुर से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे इमरान मसूद जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी इसके बारे में आप अपनी राय बताइए और देखते रहिए ये भी पिलाई